नमस्कार, आज मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए यानी महावारी आई तो मेरा अनुभव कैसा था। बहुत अलग तरह का तो नहीं, मुझे लगता है सभी महिलाओं को कुछ इसी तरह के अनुभव हुए होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर था कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। गर्मी का मौसम था और जून का महीना था। कुल्फ़ी शायद बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के उनको पता होगा कि एक लोहे की मशीन होती थी, उसके चारों तरफ बर्फ़ और शोरा डाल के कुल्फ़ी घुमाई जाती थी और उसमें कुल्फ़ी बनती थी और मैं भी उस मशीन को घुमा रही थी। इतनी देर में मैंने देखा कि सामने जो हमारे यहाँ घर में मैगजीन्स देने आता था, जो चंदा मामा, सरिता, मुक्ता, ये सब देने आता था, मैंने उसको देखा और उसको देखते ही मैं भाग ली। लेकिन मेरी सिस्टर मेरे पीछे भागी और वो मेरे को आवाज़ मार रही थी, मैंने उसको नहीं सुना और मैं भाग के उससे मैगजीन्स पकड़ लिए और इतने में वो मेरे को उसने पकड़ा और वो मेरे को भाग के बाथरूम में ले गई खींच के। और दूसरी सिस्टर ने जो जिस पटड़े पे बैठ के मैं घुमा रही थी उसको उठाया और वो भी बाथरूम में ले आई। तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या बात है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आप मुझे खींच के बाथरूम में क्यों लाई हो। उसने नल चला दिया और टब में पानी भरने लगी, फिर मेरे को कहने लगी कि तुम नहाओ और सब कपड़े बदलो। तो मैंने कहा मैं तो सुबह नहा ली थी, मुझे तो नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगी नहीं नहीं, तो मैं वो मेरे नीचे की तरफ देख रही थी, मैंने फ्रॉक पहना हुआ था और मेरी जो टांगे थी उस पर पतली पतली ऐसी लाल लाल लाइनें थी। तो मैं उनको देख के बड़ी परेशान हो गई और मैंने उसको कहा कि ये सब क्या है, और वो कहने लगी कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा सभी लड़कियों के साथ होता है और तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम नहाओ बहुत अच्छी तरह से और फिर कपड़े बदल लो। इतने में जो दूसरी सिस्टर थी वो मेरा सूट ले आई और एक कॉटन का पैड, बहुत सफ़ेद मलमल के कपड़े में अंग्रेज़ी रुई जो आती थी, पैकेट्स आते थे, वो लपेटी हुई थी और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से नहाने को कहा और फिर कहा कि बहुत अच्छे से बदन को सुखाना है और ये टेलकम पाउडर लगा के साइडों में पैंटी पहनकर ये पैड को रखना है। सब उन्होंने समझा दिया। मम्मी उस समय व्यस्त थी, बहुत सारे गेस्ट आने थे घर में, तो खाना बनवाने में लगी हुई थी। तो मुझे लेकिन बहुत अजीब लग रहा था और उस समय मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मेरे को कुछ कम समझ आ रहा था। दोनों बहनों ने जो था मुझे समझा दिया, लेकिन रात को फिर मेरी मदर ने मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया और मेरी दादी, मेरी बुआ जी, वो सब भी इसके ऊपर हमसे बात करती थी और कैसे हमने साफ सफाई रखनी है इसके ऊपर वो अक्सर हमें समझाया करती थी। तो घर में महिलाओं के अंदर ये चर्चा जो थी आराम से होती थी, लेकिन पुरुषों से कभी बात नहीं हुई थी। पर पुरुषों की भूमिका मैं आपको इस रूप में बताती हूँ कि उस शुरू में हम कॉटन के बंडल्स जो थे वो मंगवाए जाते थे बाज़ार से, उन्हीं का प्रयोग करते थे और उसको मेरी मदर जो थी सफ़ेद कपड़ों में लपेट लपेट के बना के एक टोकरी में रख देती थी और हम चार बहनें थी तो जिसको भी ज़रूरत होती थी वो उसका प्रयोग करते रहते थे। बाद में सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन जब कॉटन के बंडल्स मंगाए जाते थे तो मेरा छोटा था ब्रदर, उसको कुछ भी पता नहीं था, तो उसने कहना, मेरी मदर को एक दिन कहा कि ये एक घर में इतनी तो चोट किसी को भी नहीं लगती ये, लेकिन बंडल्स इतने क्यों मंगाए जाते हैं। तो मम्मी कहती नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता लगता, यानी उसको किसी तरीके से टाल दिया। और मेरे फादर बहुत कॉन्शियस थे इस समय की सफाई को लेके, वो मेरी मदर को अक्सर कहते रहते थे कि बच्चों को सफाई के बारे में पूरा ध्यान रखना और दूसरा इन दिनों में रेस्ट करने को कहते थे, लेकिन सीधे हमसे बात नहीं करते थे, टेलकम पाउडर का यूज़ करते रहो, क्योंकि जब आप पैंटीज पहनते हैं तो मेरी तो साइड्स बहुत लग जाती थी जिसमें बहुत पेन होती थी और चलना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में एक ट्यूब आती थी, मेरे फूफा जी डॉक्टर थे, वो हमें वो देते थे और वो हम साइड्स में लगा लेते थे, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एकदम ऐसा लगा था जैसे बहुत सारी गतिविधियां रुक गई, खेल कूद जैसे रुक गया और एक डर हमेशा लगा रहता था कि हाय पता नहीं कब शुरू हो जाएंगे, कब शुरू हो जाएंगे। जबकि वही बात, हम भी थोड़ा चार्ट बना के डेट लिखते थे कि इससे 24 दिन के बाद ये आना है, 25 दिन के बाद आना है, लेकिन
फिर भी होता कई बार ऐसा था कि आप ज़्यादा उछल कूद कर ली या पता नहीं क्या कारण होता था कि डेट हमेशा आगे पीछे हो जाती थी, कहीं घूमने जाना होता या खासकर गेम्स के कंपटीशन जब होते थे उस समय बड़ा डर लगता था कि उसी दिन गेम्स का कंपटीशन हो और उसी दिन मेरे पीरियड्स आने हो तो मैं क्या करूँगी। बहुत ज़्यादा गेम्स में हिस्सा लेती थी तो ऐसा डर जो था वो हमेशा बना रहता था। या कहीं घूमने जाना, किसी तीर्थ स्थान में जाना है तो मुझे याद है एक बार हरिद्वार जाना था और उन्हीं दिनों में मेरी डेट्स आ गई थी। तो एक उस समय टैबलेट्स आती थी, मुझे उनका नाम तो अब याद नहीं है, उसके माध्यम से ऐसा होता था कि आप अगर वो खा लोगे तो आपके पीरियड्स जो है वो 4-5 दिन के लिए, जितने दिन आपने आगे खिसकाने हैं वो खिसक जाएंगे। और उनका प्रयोग भी मैंने 2-3 बार किया तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि आप उनको खा सकते हैं लेकिन साल में कभी एक आधी बार, बहुत इमरजेंसी हो, नहीं तो फिर उनका साइड इफेक्ट हो जाता है। हमें भी बहुत पेन होती थी बहनों में, मेरी छोटी सिस्टर को तो बहुत ज़्यादा होती थी कि एक बार तो वो कॉलेज में बेहोश होके गिर गई थी तो सब लोग कहें क्या हो गया क्या हो गया, कईयों को लगा कि खाने पीने का दिक्कत तो नहीं शायद है तो ये बेहोश क्यों होगी। लेकिन मुझे पता था कि आज इसके पीरियड्स आए हुए हैं तो मैंने फटाफट उसको उठाया और फिर घर लेके आई। लेकिन पेन मुझे भी काफ़ी होती थी तो मम्मी कहती थी बरालगन तो तब खानी है जब बहुत इमरजेंसी हो जाए, अदरवाइज हम गर्म पानी की बॉटल से ही काम चलाते थे और उसी से हम सेक करते रहते थे, लेटे रहते थे और पेट पकड़ते थे। पढ़ाई में बहुत दखलअंदाजी होती थी, पहले ही ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती थी जब एग्जाम्स भी होते थे कि हो शुरू के 3 दिन तो इसमें ख़राब होंगे, जहां हम एक दिन में 4 क्वेश्चन कर सकते हैं तो उस दिन 1 या 2 क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो महसूस की और फिर धीरे धीरे ये आत्मसात कर लिया अपने साथ कि ये तो आएगा ही आएगा लेकिन जीवन में रुकना नहीं है, काम करते रहना है। और बाद में तो फिर वही गेम्स में भी और उसमें भी हम उसी तरह से हिस्सा लेते थे, ये नहीं सोचते थे कि अब पीरियड्स आ गए या हमने रुकना है या कुछ और करना है। तो बाद में जितने भी दूसरे लोग थे उनको भी सहयोग करते रहे, उनको भी जो गांव की लड़कियां थी उनको भी समझाया कैसे सफाई रखनी है। और अब तो मैं बहुत सालों से इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ, गांव में जाती हूँ, सैनिटरी नैपकिन्स बांटती हूँ, उनको इसकी स्वच्छता के बारे में बताती हूँ। छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह की तरफ गई तो बहुत दुखद सा लगा या बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि वहाँ की महिलाएं राख का प्रयोग करती हैं, पत्तों का प्रयोग करती हैं। हम तो काफ़ी एडवांस स्टेट में रहते हैं जहाँ कम से कम महिलाओं को प्रयोग करने के लिए कपड़ा तो मिल जाता है और उसको वो साफ़ सुथरे तरीके से प्रयोग करती हैं, लेकिन अभी भी बहुत टैबू है इसके साथ जुड़े हुए। महिलाएं अपने घरों में बात नहीं करती, अपने हस्बैंड तक को नहीं कहती कि हमें सैनिटरी नैपकिन चाहिए। लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ तो पुरुषों को भी मैं वहाँ बिठाए रखती हूँ और उनको कहती हूँ कि आपके सामने ही हम सैनिटरी नैपकिन्स बांटते हैं। और फिर उनको ये भी कहती हूँ कि ये उसी तरह से है, महिला की इतनी ज़रूरत है, जिस तरह से कभी उसको सिर दर्द हो जाता है तो आप उसको टैबलेट ला के देते हैं, इसी तरह से ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको हर महीने सैनिटरी नैपकिन्स ला के दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये स्वस्थ रहेगी और महिला जो है वो घर की धुरी है, अगर वो स्वस्थ है तो पूरा घर स्वस्थ है। इसलिए आप लोगों को उसके इस समय को बहुत तवज्जो देनी है और उसके वो सहयोग करना है और उसके साथ काम करवाना है, उसका हाथ बंटवाना है। अगर आप महिला के इन दिनों में या बच्चियों के इन दिनों में उनकी सुरक्षा का, उनकी सफाई का सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे तो महिला हमेशा स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ ही बच्चों को जीवन देगी और स्वस्थ बच्चे पैदा करेगी। यही मेरा आप सबको संदेश है और यही मेरा कहना है। इन दिनों को मनाने का तभी फायदा है अगर हम इनसे कुछ सीखें और आगे इसको फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, और जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनको इसकी जानकारी दें, और जो शर्म एक लोगों में है इसके ऊपर बात करने में, उस हिचक को, उस शर्म को हम दूर करें, तभी हम समाज में इसके लिए कुछ कर सकते हैं। नमस्कार।